आपको स्वागत है दीपालीज किचन में। आज मैं आपको हमारे ओडिशा का एक फेमस स्ट्रीट फूड आलू चॉप कैसे होता है वो बना के दिखाऊंगी। तो चलिए आलू चॉप बनाते हैं। आलू चॉप बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, बेसन, कटे हुए प्याज, कटे हुए गार्लिक, कटे हुए ग्रीन चिलीज, पीनट, कटे हुए धनिया पत्ता, जीरा। मसाले में चाहिए हमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, बेकिंग सोडा, वाटर और फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। पहले हमें आलू को मैश कर लेना है। आलू को अच्छे से मैश कर लीजिए। इसके बाद हम मसाला बनाते हैं। मसाले बनाने के लिए हमें पहले गैस को ऑन करके इसे एक पैन में बिठा लेना है। तो हमारा अभी गर्म हो गया है। अभी हम इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ा भून लेंगे। इसके बाद कटा हुआ प्याज, फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें पीनट्स ऐड करते हैं, क्योंकि पीनट्स हमारा रॉ पीनट्स है, इसीलिए इसको भी थोड़ा फ्राई करना जरूरी है। इसीलिए अभी हम इसमें ऐड कर लिए। अभी हम इसमें क्रॉस हुआ गार्लिक और ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिला लेते हैं। अभी हम इसमें मैश किया गया आलू ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिला लेते हैं। हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर थोड़ा सा बस, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला। अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिल गया है। अभी हम इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर लेते हैं। देख सकते हैं मसाले का कलर कितना अच्छा आ रहा है। अच्छे से भूनने छोड़ देते हैं। मसाला अभी हमारा रेडी है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। मसाला तो हमारा तैयार हो गया है। अभी इसे छोटे छोटे बॉल में कर लेते हैं। इस टाइप का कर लीजिए, सारे कर लेते हैं। ऐसे सारे कर लीजिए। देखिए मसाले तो बनके तैयार हो गया है। ऐसे छोटे छोटे बॉल में कर ली हूँ। अभी हमें बैटर बनाना है बेसन का। बैटर बनाने के लिए हमें पहले बेसन चाहिए। बेसन में मैं दूंगी बेकिंग सोडा, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, वाटर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसमें चॉप को ऐसे डिप करते हैं।
और इसमें छोड़ देते हैं। देखिए हमारा आलू चॉप बनके रेडी हो गया है। आप ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये आलू चॉप का रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।